फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो हमारा नहाना धोना, पूजा पाठ वगैरह, मतलब जितने सुबह के जितने भी काम होते हैं सारे काम फिनिश हो चुके हैं और नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। और आज है बृहस्पतिवार, तो आज बृहस्पतिवार है और मैं फास्ट तो नहीं रखती, पर जितने नियम कानून होते हैं मतलब बृहस्पतिवार के, वो सब मैं फॉलो करती हूँ। तो आज इसलिए हमने जो है पीली साड़ी पहन रखा है। और आज एकादशी भी है, तो हमारे ससुर जी का एकादशी व्रत हैं और मेरी मम्मी यानी सासू जी मेरी, सासू माँ मेरी, गई हैं अपनी सिस्टर के यहाँ, उनके यहाँ शादी है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई क्योंकि बात करने में ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो बात नहीं करेंगे, चल रहे हैं फटाफट बनाएंगे खाना। और क्योंकि धूप आ जाएगी तो फिर काम करने का मन नहीं करेगा। और बाबू के लिए भी कुछ, यानी मतलब हमारे ससुर जी के लिए, हम लोग बाबू बोलते हैं, तो उनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह भी बनाना पड़ेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कि थोड़ी देर में आप लोगों से, तब तक लिए बाय बाय। तो अभी यहाँ पर इस भगोने में बचा हुआ है शाम का दूध। सुबह मैंने चाय बनाया और दूध बच गया है, तो इसे मैं बॉयल कर दूंगी, क्योंकि सुबह अगर बॉयल कर दूंगी तो दिन भर चलेगा। फिर शाम को चाय बनाते समय गर्म करूंगी और चाय बनाऊंगी, जो दूध बचेगा उसका मैं दही जमाऊंगी, फिर शाम को ताज़ा दूध आएगा। तो यहाँ पर दूध हमारा बॉयल हो रहा है और अब हम सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो सब्ज़ी हमारी कट चुकी है नेनुआ, और ये देखिए प्याज लहसुन मिर्चा को हमने क्रश कर लिया है। और ये देखिए टमाटर भी मैं काट रही थी, तो इसमें से पेड़ निकल रहे थे तो इसको हमने साइड में कर दिया है। और यहाँ पर हमने गैस फ्लेम को ऑन कर दिया है, कढ़ाई भी रख दिया है, और कढ़ाई में हमने ऐड किया है सरसों का तेल। और तेल हमारा जब गर्म हो गया तो इसमें हमने ऐड किया पंचफोड़न। हींग को हमने स्किप कर दिया है क्योंकि नेनुआ की सब्ज़ी में हींग हमें पसंद नहीं है। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें हमने कटे हुए टमाटर को ऐड किया। उसके बाद नमक, और नमक को इसलिए ऐड कर देते हैं साथ में ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर मसालों को ऐड कर दिया, और मसालों से जब तेल अलग होने लगा तो हमने सब्जियों को ऐड कर दिया, सब्जियों यानी कि नेनुआ। और इसे अब मैं ढक दूंगी, और इसके बीच बीच में मैंने 2-3 बार तो हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए और इधर चावल भी बन चुका है। और हमारी ससुर जी गए हैं पूजा में, और उनका हुक्म है यानी ऑर्डर है कि बाहर देखती रहना। तो अब हम चल रहे हैं बाहर, हमसे बोल कर गए हैं कि दुल्हन दुबरवा देखत रहो, दे वरना कुछ पड़ जाएगा। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और बहुत ही टेस्टी, मतलब चखे तो नहीं है पर देखने में लग रही है कि बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी होगी। और हमारे ससुर जी गए हैं, मतलब कथा में गए हैं, तो उनका ऑर्डर है कि दुआर देखने के लिए, कि दुल्हन दुबरवा देखत रहो। तो अब दुल्हन चल रही हैं दुआर देखने के लिए, और थोड़ा बहुत अपनी क्यारी वगैरह भी घूमेंगी टहलेंगी, हम भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और अगर हमारी वीडियो ज़रा सी इतनी सी भी अगर पसंद आती होगी तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा टहलने घूमने के लिए। वैसे शर्म तो लगती है लेकिन क्या करें, अभी कोई है नहीं, दुआर भी देखेंगे और देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है, मतलब इस सीज़न में कौन कौन सी सब्जियां लगी हैं, क्या क्या लगे हुए हैं। एक महीने के बाद मैं यहां पर आई हूं, तो चलिए चलते हैं। और सर पर अब रखें पल्लू और संस्कारी बहू बनकर चलते हैं। बाहर भी निकलेंगे ना, मोबाइल बंद कर लेंगे, नहीं तो जो देखेगा, क्योंकि गांव वाले समझते नहीं, कहेंगे पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, कुछ उल्टा सीधा ही सोच लेंगे। हमारे चाचा बाहर हैं अपने, मतलब घर में हैं कमरे में, उनकी स्कूटी बाहर खड़ी हुई है। और चलिए मोबाइल बंद करते हैं, यहाँ से थोड़ा आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा फूल वगैरह तो नहीं लगे हैं, लेकिन जो भी है आप देख लीजिए। और ये मनी प्लांट देखिए कैसे जड़ एकदम चिपक गया है खंभे में। ये देखिए, ये हैं हमारी गाय माता, दूध देती हैं। और ये है बफेलो भैंस, ये भी इनकी डिलीवरी होने वाली है।
और हमारे यहाँ छोटे 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 से मीठी नीम के बहुत ढेर सारे पौधे हुए हैं, जिनको ज़रूरत होगी बताना। और दिखाते हैं, ये देखिए, ये है कद्दू के पेड़, कद्दू के पेड़ लगे हुए हैं। चलिए और आगे दिखाते हैं, ये देखिए, ये केले लगे हुए हैं और इसमें बोरी लगा दी गई है, क्योंकि मिलराय आता है ना तो सारा खा जाता है, इसलिए बोरी लगाया गया है। और उधर भी सामने भी दिख रहा होगा, ये बोरी वो लगी हुई है। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी है, इसी में खीरे के पौधे हैं। अब मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कि कौन से खीरे के पेड़ हैं, खीरा निकलता भी है। और मैं अकेले घर घर पर कोई है नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। इसमें पता नहीं कौन कौन से चीज़ के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ये इतना पता है कि खीरे का पौधा यहीं है कहीं। खीरे का पौधा यहीं है, पर ये नहीं पता कि कौन सा है। और ये हैं कद्दू के पौधे, ये कद्दू के पौधे हैं। और चलिए दिखाते हैं आपको एक और चीज़, ये देखिए, सांप अपने शरीर जब वो छोड़ता है स्किन, ये देख लीजिए, कद्दू है इसमें। अभी दिखाती हूँ, वो देखिए, छुएंगे नहीं लेकिन कद्दू दिख रहा है, वो देखिए बड़ा सा है। हम दूर से दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें पैर रखने में ना हमें डर लग रही है, इसलिए। और इस समय देखिए सब तो कट चुके हैं सारे, अब बरसात वाले जो होती है, बरसात की मतलब गर्मी वाली जो खेती होती है, अब धान उनका सीजन आ रहा है, बीज बीज डाले जाएंगे। बाकी गेहूँ वगैरह तो कट चुके हैं, सरसों वगैरह, खेत एकदम खाली हो गया है। और ये देखिए, इसमें केले लगे हुए थे तो नीलगाय खा गई। चल रहे हैं घर, क्योंकि दरवाज़ा बंद करके आए हुए हैं, पता नहीं कोई आया ना हो। घर किसी जानवर की आवाज़ आ रही है और हमें लग रहा है बहुत तेज़ डर, कोई जानवर है, क्योंकि चलने की आवाज़ आ रही है जानवर की, या तो सियार होगा या फिर वो रहता है, इसको क्या कहते हैं, गोता गो मगर गो वो होगा। और धूप बहुत तेज़ लग रही है, इसलिए हमें पसीने भी आ रहे हैं, कुछ डर के मारे और कुछ धूप से। इधर मैं अकेले नहीं आती, जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तभी मैं आती हूँ, या बच्चे रहें तब आती हूँ, या फिर मेरी सास रहती है तो उनको लेकर आते हैं, लेकिन अभी है नहीं, गई हैं मौसी के हैं। तो चलिए देख लिए और अब चल रहे हैं।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।